हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविस कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसमें हम वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। ये बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बनता है, बहुत डिलीशियस लगता है। पास्ता हम सबका फेवरेट है और अगर घर पे बनाया हो तो वो और भी अच्छा बनता है। चलिए रेसिपी देख लें। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर लिया है। गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है। वो जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा हम उसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। जितना बटर लोगे उतना ही मैदा लेना है और हल्के से हमें बिल्कुल भूरे कलर में इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना है। थोड़ी देर बाद बबल्स आने लगेंगे, बटर फ्रॉथी होने लगेगा। इसका मतलब है हमारा जो मैदा है वो बटर के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 2-3 लहसुन की कलियाँ ऐड करूँगी जिसे मैंने क्रश कर लिया है। हम उसे भी मैदे के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वाइट सॉस पास्ता में लहसुन का हल्का सा फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम दूध ऐड करेंगे। 2 कप दूध लिया है। एक साथ पूरा दूध ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करेंगे। लम्स नहीं बनने देने हैं। जैसे ही दूध मिक्स होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, तो हम धीरे धीरे सारा दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की एक पतली सॉस बना लेंगे। हमें बहुत पतली सॉस नहीं बनानी है, हल्की सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो ऐसी सॉस बनानी है और फिर हम गैस बंद कर देंगे। अब हम पास्ता बॉईल करने लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हमारा पानी बॉईल होने लगेगा हम 1 कप पास्ता इसमें डालेंगे और उसे बॉईल करेंगे। थोड़ा स्टर कर लेंगे। पास्ता के पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप पास्ता को उतनी समय के लिए ही बॉईल कीजिएगा। मैं पास्ता को दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर रही हूँ। तब तक जो है हम वेजिटेबल्स सौते कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून बटर ले रही हूँ। हल्का सा वो गरम हो जाएगा तब हम उसमें 1/4 कप सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और उसके बाद रेड कैप्सिकम। साथ ही यहाँ पर मैंने बॉइल्ड येलो कॉर्न्स लिए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। इन्हें सौते कर लेंगे अच्छे से। फिर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसे लीड लगाकर पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक। दूसरी तरफ जो है हमारा पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो गया है, उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। हमारी वाइट सॉस को भी मैंने हल्का सा गर्म होने रख दिया है स्लो गैस पर। अब हम उसमें जो है हमारे सौते वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और उसे अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम पास्ता ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और इसे भी मिक्स करेंगे। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि पास्ता को पहले से बॉईल कर नहीं रखना है, उसे लास्ट में ही बॉईल करके सॉस में ऐड करना है। यहाँ पर मैं मिक्स हर्ब्स ऐड कर रही हूँ और पास्ता मिक्स ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिलाना है। ग्रेटेड चीज़ है वो भी ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे रेसिपी दिखाई है। रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा डिलीशियस चीज़ी वाइट सॉस पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ न्यू रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।